सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं नूडल्स। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम कढ़ाई को बैठा लेंगे और उसमें पानी डालकर गरम करके हम उसमें हल्दी डाल देंगे। अब हम उसमें नमक डाल लेंगे। और उसको हम अभी अच्छी तरीके से चला लेंगे। पानी गर्म हो जाने के बाद अब हम उसमें नूडल्स डाल लेंगे। और उसे 5 या 6 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। सो गाइस, देखिए अभी अच्छी तरीके से उबल चुका है। उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख देंगे। सो गाइस, हम फिर से कढ़ाई बैठाएंगे और उसके लिए हम धनिया पत्ता, प्याज और शिमला मिर्च ले देन हम लहसुन, मिर्ची और उसके साथ हम अदरक ले लेंगे। उसके बाद हम सोया सॉस लेंगे, शेजवान चटनी लेंगे और लाल मिर्च लेंगे। देन कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और उसको हम अच्छी तरीके से चारों तरफ से चला देंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें अब अदरक डाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिर्ची डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें प्याज डालेंगे और उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको हम अभी अच्छी तरीके से चला लेंगे और उसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब जो हमने नूडल्स को बॉईल करके रखा था वो अभी हम इसमें डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। सो गाइस, मेरी 10 दिन से तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। सो गाइस, मेरे आवाज़ को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, उस आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। सो गाइस, जल्दी मैं अपने आवाज़ के साथ मिलूँगी। अब हम इसमें नूडल्स मसाला डाल लेंगे और इसको हम अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, अभी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। देन हम इसमें शेजवान चटनी डाल लेंगे अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और इसको हम अभी अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब हम इसमें जीना मटर डालेंगे। अब हम इसे एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 या 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे। सो गाइस, फाइनली नूडल्स रेडी हो चुकी है। सो गाइस, अभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।